इधर आपको आई बटन में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ओके। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। तो ठीक है, इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। बेसिकली यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला अपना है लीनियर प्रॉपर्टी, सेकंड अपना चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, थर्ड अपना है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और फोर्थ अपना मॉड्यूलेशन थ्योरम, ओके। सबको जो हम बारी बारी करके पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में जो हम क्या करेंगे, लीनियर प्रॉपर्टी वन पढ़ेंगे, प्लस उसको अपन यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो देखो लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस आर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स रेस्पेक्टिवली, देन क्या होता है, देखो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ एस प्लस बी इंटू जी ऑफ एस प्रोवाइडेड ए एंड बी, ए और बी अपना क्या है, कॉन्स्टेंट है, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, लीनियर प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं, ओके। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका, फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जो आपको अभी तक याद हो चुका होगा, दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपना क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये अपना क्या फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस एस एक्स डी एक्स, ओके। कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में फर्क होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे कैपिटल जी और स्मॉल जी में फर्क है, कैपिटल एफ मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म समझ लो, ओके। और ये अपना क्या फंक्शन का है ना, तो एफ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपना क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर आई एस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म ओके ऑफ एस है ना, ये कोई दूसरा फंक्शन है, दैट इज जी ऑफ एस अपना क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जी ऑफ एक्स इंटू आई एस एक्स डी एक्स, ओके। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एल एच एस में क्या दिया, यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू जी ऑफ एक्स दिया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एल एच एस से जो अपन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, दैट इज यहाँ पर देखो क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स जो आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है उसमें क्या है, ए का मल्टीप्लीकेशन है, और जो जी ऑफ एक्स आपको जो फंक्शन दे रहे उसमें देखो अपने क्या है, बी का मल्टीप्लीकेशन है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, ओके, ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो कि नहीं, ये अपना क्या फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला में क्या होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का, दैट इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फंक्शन को अपन यहाँ लिख दिए इंटू ई की पावर आई एस एक्स लिख दिए डी एक्स, ओके। इंटीग्रेशन जीरो माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होता है, अपना फंक्शन आता है, फंक्शन देखो क्या है, ये वाला पूरा फंक्शन अपना है, दैट इज एफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू जी ऑफ एक्स इंटू ये अपना क्या होगा फाइनली, ई के पावर आई एस एक्स डी एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में, अब देखो क्या करेंगे अपन अगले स्टेप में, ओके। यहाँ पे एडिशन दिया कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, तो सेपरेट करने पे क्या होगा, ओके। तो ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पे ए इंटू एफ ऑफ एक्स आएगा इंटू ई की पावर आई एस एक्स, तो यहाँ पे डी एक्स आएगा, जिसमें सी ये अपना ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको अपन बाहर निकाल दिए। तो ए को बाहर निकालने पे देखो अपन क्या रहेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर आई एस एक्स डी एक्स लिख दिए। वैसे अपने पास सेकेंड टर्म कौन सा बचेगा, इंटीग्रेशन बी इंटू जी ऑफ एक्स इंटू ई की पावर आई एस एक्स डी एक्स, जिसमें अपन बी को कॉमन निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स इंटू ई की पावर आई एस एक्स डी एक्स हो गया, ओके। और ये अपना क्या है, ए इंटू ये अपना क्या होगा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस हो जाएगा, और प्लस बी इंटू ये अपना क्या है, अगेन फोरियर ट्रांसफॉर्म दूसरा फंक्शन है, ओके, जिसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज जी ऑफ एस हो जाएगा, एंड दिस इज माई आर एच एस, ओके, हैंस प्रूफ्ड, थैंक यू।